नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार की सियासत में एक बार फिर से जो है हलचल तेज है। उपेंद्र कुशवाहा दो दिवसीय बैठक करने के बाद साथियों के साथ समर्पित बैठक किए, उसके बाद एक बड़ा निर्णय ले लिया और एक नया पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक नए पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो है बिहार की जो सियासत जो है काफ़ी तेज है। और इस वक्त हम राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो है राजद के गेट पे लॉक लगा हुआ है, यानी कि ताला लगा हुआ है। और आज राजद के कई बड़े नेता जो हैं वो आज इस अपने प्रदेश कार्यालय में जो मीटिंग कर रहे हैं, अब इंटरनल मीटिंग हो रहा है। इसमें राजद के बड़े नेता, बड़े चेहरा जो हैं, जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय नारायण चौधरी हैं वो है, उसके बाद शक्ति यादव और भी राजद के तमाम बड़े नेता, श्याम रजक, सब कोई जो है अंदर पहुंचा हुआ है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि आज राजद के प्रदेश कार्यालय में जो गेट है वो लॉक है और पत्रकारों को मना किया गया है कि आज जो है पत्रकार के लिए अंदर जो है एंट्री नहीं मिलेगी। ये सवाल जो है इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी को ज्वाइन किया है और जदयू का जो है दामन जो है छोड़ दिया है, उसको लेकर अब जो सियासत है वो काफ़ी तेज है। हालांकि राजद के जो बड़े नेता हैं, जगदानंद सिंह काफ़ी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और बिहार की राजनीति को बखूबी बहुत अच्छे से जानते भी हैं, इसको लेकर अब बड़ा जो है एक मीटिंग भी हो सकता है और क्या निर्णय, क्योंकि महागठबंधन की बात है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जदयू के एक वरिष्ठ नेता थे और अचानक से जो पार्टी को छोड़ना और नए पार्टी को ज्वाइन करना, जो उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया, जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार बीते दिनों ये भी कह रहे थे कि 2024 और 25 में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2025 तक मुख्यमंत्री का जो दावेदार होंगे वो हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार ही होंगे, 25 के बाद क्या होगा उसके बाद देखा जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय जो है और एक जो है बयान जो है ललन सिंह ने दिया है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार ये कहते दिख रहे थे कि जो 24-25 में जो आगे होने की बात होगा उसको तेजस्वी यादव को आगे कर रहे थे, लेकिन अब जो ताजपोशी जो है वो किसकी होगी, हालांकि तेजस्वी यादव लगातार इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। और जब आज जो है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को छोड़कर नई पार्टी को ज्वाइन किया और बिहार के राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, जहां पे ताला लॉक है, और आज जो बड़ी मीटिंग है वो अंदर चल रही है क्योंकि राजद के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। और ये भी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव हालांकि फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन वर्चुअली मोड में आज भी हो सके इस मीटिंग में, जो क्योंकि महागठबंधन को कितना ठेस पहुँचा उसको लेकर सवाल अब बार बार उठता है। और उपेंद्र कुशवाहा जब नई पार्टी को ज्वाइन किया और ये भी कह दिए हैं कि जदयू में है, अब जो पूरा घर है वो टूट गया है, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप जदयू का दामन तोड़े, उसके बाद जदयू कमज़ोर होगी, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया है जो घर पहले से ही टूटा हुआ है उसको अब क्या टूटना है। जदयू को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि 0-0 जदयू हो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार के सवाल पर उन्होंने ये कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार को खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत तौर पे पहला ऐसा इंसान होगा जो उन्हें खून देगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे अब कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी से पूर्व मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने भी आज कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो काम है, जो उन्होंने निर्णय लिया है दो दिवसीय बैठक के बाद, वो बहुत ही अच्छा है। और उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह दिए हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो 3-4 नेताओं हैं उनको अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं तो ये संभव हो सकता है कि जदयू मजबूत हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार आजकल वही इर्द गिर्द नेताओं की बात सुन रहे हैं और जदयू के संपर्क में बहुत सारे जो नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में, और उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह दिया कि हमारे संपर्क में भी जदयू के कई सांसद भी हैं और कई नेता भी हैं। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है जिस तरीके से महागठबंधन की बात चल रही है और अब ताला जो लग गया है राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर और पत्रकारों को एंट्री नहीं मिल रहा है, उसको लेकर अब ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि क्या कुछ नया निर्णय जो है, क्या मीटिंग होगा, क्योंकि जो अंदरूनी मीटिंग चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राजद के कई शीर्ष नेता भी मौजूद है और महागठबंधन की बात है और ताजपोशी आके 2024 और 25 में किसकी होगी वो भी देखने योग होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज 24 पटना।